द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का वह युद्ध है जिसने मॉडर्न एस्पिनाज की नींव रखी। ये तो एस्पिनाज का अर्थ होता है कि वह लड़ाई जो बंदूकें, बम व हथियारों से न लड़ी जाए। ये लड़ाई तो वह लड़ाई है जो दुश्मन के घर बिना हथियार उठाए उसे हराया जाए और सामने वालों को यह अंदाजा ही ना हो कि उसके सामने ही या आसपास ही दुश्मन था। इस साइलेंट पर अग्रेसिव विन और लूज को ही एस्पिनाज गेम कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने जहां इतिहास को लहू लुहान किया, वह द्वितीय विश्व युद्ध ने तो मानव कितना घातक हो सकता है उसकी सारी हदें पार कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध को और घातक बनाता है इंटेलिजेंस। इस युद्ध के दौरान व उसके पश्चात समग्र विश्व यह समझ चुका था कि यह किसी भी राष्ट्र का कहना कि वह ही शक्तिमान या अति घातक है वह गलत है। 1939 के बाद कौन राष्ट्र कौन सा दाव खेले या उसके खेमे में शतरंज के कौन से घातक दाव है उसका अनुमान लगाना मुश्किल ही हो चला था। तो बस शुरू हुआ खेल सीक्रेट सर्विस व इंटेलिजेंस का। इस इंटेलिजेंस की आग को हवा दी पावर, मनी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने। एस्पिनाज गेम में एजेंट ही मेन खिलाड़ी होता है। यह एजेंट हमेशा से सीक्रेट व दौरी जिंदगी जीता है। चौकस उसके कदम व रेडी टू गो उसके डेडली मूव्स होते हैं। परंतु यह एजेंट जब अपने राष्ट्र से गद्दारी कर अन्य राष्ट्र का समर्थन करता है तब एस्पिनाज का खेल और रोचक व जानलेवा बनता है। आज हम ऐसे एक डबल एजेंट की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके मूव्स हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल व अनट्रेसेबल रहे हैं। यह एजेंट विश्व व इतिहास के उन एजेंट्स में से एक है जिसके बारे में लोग जानना व सुनना पसंद करते हैं। इस एजेंट ने 1940s-1950s को कुछ इस कदर हिलाया व एस्पिनाज के ऐसे लूपहोल्स विश्व समक्ष प्रस्तुत किए कि जिसने साबित कर दिया कि एस्पिनाज वॉर को समझना व उसकी पहले को सुलझाना लगभग नामुमकिन ही है। यूएसएसआर, ब्रिटेन और अमेरिकन इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करने वाला यह सुपर स्पाई और लोगों के लिए हमेशा मिस्ट्री बने रहने वाले गाय बर्जिस की आज हम बात करने वाले हैं। गाय फ्रांसिस डी मोंसे बर्जिस का जन्म यूनाइटेड किंगडम के प्लेमॉथ में 16 अप्रैल 1911 में हुआ था। गाय बर्जिस के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वे वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके दादाजी के समय फैमिली के ज्यादातर लोग बैंकर्स के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश किए थे। सिर्फ बैंकर्स ही नहीं, उनकी फैमिली में कई मेंबर्स ने मिलिट्री में भी अपनी सेवा दी थी। गाय बर्जिस के पिताजी मेलकम बर्जिस का करियर रॉयल नेवी में रिमार्केबल रहा था। इसके पश्चात मेलकम बर्जिस ने प्लायमाउथ के वेल्दी बैंकर फैमिली की लड़की एल्विन गिलमैन से शादी कर ली, जिससे उन्हें गाय बर्जिस और निगेल नाम के दो पुत्र हुए। बात करें गाय बर्जिस की तो 9 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी पढ़ाई एक गवर्नेस के साथ की। उसके पश्चात उन्होंने अपनी स्कूलिंग हेडफोर्डशायर में की। गाय बर्जिस इंटेलिजेंट व शार्प स्टूडेंट थे। स्कूल में उनके पासिंग ईयर के साथ ग्रेड्स अच्छे से अच्छे आने लगे। ब्राइट किड्स में से एक थे गाय बर्जिस। इसके बाद उनका एडमिशन इटॉन के बॉयज पब्लिक स्कूल में हुआ। यहां पर भी उनका परफॉर्मेंस मार्वेलस ही था। परंतु उसी साल सितंबर 1924 उनके लिए कठिन साबित हुआ। उनके पिताजी मेलकम सडन हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हुई। यह सडन डेथ फैमिली के लिए बहुत दुखदायी था। जहां इमोशनली तौर पर फैमिली को थोड़ी मुश्किल हुई और फाइनेंशियली उन्हें कोई तकलीफ हुई नहीं। फैमिली पहले से ही फाइनेंशियल सिक्योर थी, इसलिए गाय बर्जिस की एजुकेशन एज प्लान्ड आगे चलती रही। इसके बाद डार्टमाउथ में गाय बर्जिस का एडमिशन हुआ। इस इंस्टीट्यूशन में सख्ताई हद से ज्यादा थी व डिसिप्लिन तोड़ने पर शारीरिक दंड भी होता।
ऐसे माहौल में भी काई ब्रिजेस का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा। पढ़ाई तो ठीक, परंतु स्पोर्ट्स में भी उनका परफॉर्मेंस ओवर द टॉप था। परंतु यह एक बहुत बड़ा चेंज काई ब्रिजेस में आया। काई ब्रिजेस का सेक्सुअल आकर्षण बॉयज की तरफ खूब था। इसकी शुरुआत जब वे इटॉन बॉयज पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे तब से हुआ था, लेकिन गाय ब्रिजेस ने यह आकर्षण को खुलकर किसी के सामने प्रकट न किया। स्कूलिंग में अपना परफॉर्मेंस बेहतरीन देने के बाद वे अपने जीवन के आगे के एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज जाने वाले थे। अक्टूबर 1930 में गाय ब्रिजेस ने कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया। गाय ब्रिजेस ने यहां भी खूब बेहतरीन परफॉर्म किया। काई ब्रिजेस यहाँ के ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक बने, परंतु यहाँ पर उनके प्रति स्टूडेंट्स का रवैया ज्यादातर मिक्स ही रहता। लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों को काई ब्रिजेस के साथ कनेक्ट रहने में इंटरेस्ट रहता ही। 1931 तक काई ब्रिजेस ने अपने होमोसेक्सुअल इंटरेस्ट को बाहर पनपने न दिया, परंतु उसी साल उनकी मुलाकात उनसे 4 साल बड़े सीनियर एंथनी ब्लंट से हुई। एंथनी ब्लंट के साथ कहा जाता है कि गाय ब्रिजेस का लव इंटरेस्ट था। यह वह समय था जहां होमोसेक्सुअल इंटरेस्ट रखना किसी क्राइम से कम न था। वहीं गाय ब्रिजेस का खुलाआम अपने सेक्स इंटरेस्ट दिखाना उन्हें औरों से अलग बनाता था। 1930s यह समय रेवोल्यूशन चेंज की तरफ बढ़ रहा था। यह वह समय था जब लोग अपने पॉलिटिकल व्यूज को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना पसंद करते। रही बात कैम्ब्रिज की, तो यहाँ के स्टूडेंट्स के भी अपने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थे। काई ब्रिजेस ने यह नोट किया कि 1931 में खास करके इंग्लैंड में कैपिटलिज्म के चलते अच्छा खासा फाइनेंशियल क्राइसिस ऑब्जर्व किया गया। अडोल्फ हिटलर के फैसिज्म आइडियोलॉजी ने विश्व स्तर पर त्राहिमाम मचाए रखा था। इनमें से काई ब्रिजेस का झुकाव कम्युनिज्म की तरफ अच्छा खासा रहा। काई ब्रिजेस का यहाँ एकेडमिक पर ध्यान कम, पॉलिटिक्स में ध्यान ज्यादा जाने लगा। फिर साल आया 1934। आर्नोल्ड डूसेच नाम का एक ऑस्ट्रियन ज्यू लंदन पहुंचा कम्युनिज्म के फैलाव के लिए। दरअसल यह ऑस्ट्रियन ज्यू आर्नोल्ड डूसेच एक सोवियत स्पाई था। सोवियत्स के नेटवर्क हाईली स्प्रेडेड थे। कैम्ब्रिज में उस वक्त विश्व के अलग अलग कोनों से स्टूडेंट्स आते, इससे अच्छा टारगेटेड एरिया और क्या होगा सोवियट्स के लिए। आर्नोल्ड डूसेच ने कम्युनिस्ट विचारधारा से सहमत स्टूडेंट्स का चयन शुरू किया। आर्नोल्ड की नजर उन टैलेंटेड माइंड्स पर रहती जो एकेडमिक एक्सीलेंस रखता ही हो, साथ ही साथ जिसका अप्रोच यूनिक व स्टाइलिश हो। आर्नोल्ड की नजर किम फिल्बी नाम के एक स्कॉलर पर रुकी। किम फिल्बी के कैरेक्टर को समझने के लिए हमने वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे आप अवश्य देखें। किम फिल्बी और आर्नोल्ड डूसेच ने फ्रेश रिक्रूट स्टार्ट किए। उस वक्त काई ब्रिजेस की अलग छाप थी। काई ब्रिजेस के फ्री स्टेट माइंड, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के क्लैरिटी ने किम फिल्बी और आर्नोल्ड डूसेच का ध्यान खींचा। इसके पश्चात काई ब्रिजेस के साथ एंथनी ब्लंट, डोनन मैकलिन, जॉन कैंक्रॉस ने भी कम्युनिस्ट विचारधारा का जोर शोर से फैलाव किया। कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ने के दो प्रमुख कारण इन्होंने बताए। ए, कैपिटलिज्म आने वाले सीवर क्राइसिस से लड़ नहीं सकता। बी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज फासिज्म के सामने अपना दम तोड़ देगी, इसलिए अंत में कोई पॉलिटिकल सिस्टम सर्वाइव कर पाएगी तो वह है मॉस्को यानी कम्युनिज्म ही होगा। फिर क्या था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इस कैंपस से किसे पता था कि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पायरिंग का जन्म होगा। किम फिल्बी, काई ब्रिजेस, एंथनी ब्लंट, डोनन मैकलिन और जॉन कैनक्रॉस, इन पांचों से बनी कैम्ब्रिज फाइव। कैसे कैम्ब्रिज फाइव आगे चलकर इंग्लैंड, यूएसए, सोवियत समेत आदि दुनिया के इंटेलिजेंस और स्पाई वर्ल्ड को अफेक्ट करके इतिहास की ग्रेटेस्ट पायरिंग बनने वाली है वह आप आगे देखेंगे। साल 1936, कैम्ब्रिज से पढ़ाई पूरी करने के बाद काई ब्रिजेस ने बैक टू बैक
दो बार बीबीसी में जॉब अप्लाई किया, परंतु वे दोनों बार असफल रहे। तीसरी बार वे सिलेक्ट हुए और वे बीबीसी के कॉर्पोरेशन टॉक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर नियुक्त हुए। गाय ब्रिडजेस यहां करंट अफेयर्स और कल्चरल प्रोग्राम के पोटेंशियल स्पीकर्स को सिलेक्ट व उनका इंटरव्यू लेते, परंतु बीबीसी में काम करने के दौरान उनके खिलाफ बहुत से कंप्लेंट्स रहते। उनमें से प्रमुख था गाय ब्रिडजेस के सैलरी बढ़ाने की मांग। उनकी यह हरकतें उनके कलीग्स के बीच चिड़चिड़ेपन का भाव उत्पन्न करती। उसके बाद भी बीबीसी में उनका काम खासा सही चल रहा था, परंतु गाय ब्रिडजेस सिर्फ इसके लिए यहां ना आए थे, उन्हें लंबे खेल का खिलाड़ी बनना था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी में पहुंचना। बीबीसी के थ्रू उनकी दोस्ती डेविड फुटमैन से हुई। डेविड फुटमैन MI6 में ऑफिसर थे। फुटमैन ने गाय ब्रिडजेस को अपने सुपीरियर से मिलवाया, जिसके परिणाम स्वरूप गाय ब्रिडजेस को MI6 के कई छोटे मोटे असाइनमेंट में फ्रीलांस सर्विस करने का मौका मिला। गाय ब्रिडजेस ने 18 महीनों तक फ्रीलांस सर्विस दी। इस दौरान गाय ब्रिडजेस ने बड़े धीरज से काम किया। गाय ब्रिडजेस कॉन्टैक्ट बनाने में तेज थे, तो बस इस फ्रीलांस सर्विस के दौरान उन्होंने सिर्फ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया। इस कॉन्टैक्ट के बदौलत आखिरकार गाय ब्रिडजेस को MI6 के तरफ से फुल स्केल पर काम करने का मौका मिला। मार्च 1938 में गाय ब्रिडजेस की MI6 के सेक्शन डी में पोस्टिंग हुई। सेक्शन डी का कार्य था उन दुश्मनों का पता लगाना जो नॉन मिलिट्री अटैक कर सकते हैं। सेक्शन डी में गाय ब्रिडजेस ने जॉइंट ब्रॉडकास्टिंग कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया। गाय ब्रिडजेस ने अपने कॉन्टैक्ट यहां गवर्नमेंट ऑफिशियल से बनाए। इस कॉन्टैक्ट से वे गवर्नमेंट के थिंकिंग और गवर्नमेंट के आगे के प्लानिंग्स के बारे में जानने का मौका मिलता। इन शॉर्ट, व्हाट सेक्शन डी इज अप टू, उसका पूरा अकाउंट गाय ब्रिडजेस को मिलता और गाय ब्रिडजेस इसकी ब्रीफिंग बड़े ही आसानी से मॉस्को तक पहुंचाता। सिर्फ इतना ही नहीं, मजे की बात तो यह थी कि कैम्ब्रिज 5 के बाकी के मेंबर्स किम फिल्बी, जॉन मैकलिन, एंथनी ब्लंट और जॉन कैनक्रॉस भी ब्रिटिश इंटेलिजेंस या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के इंपॉर्टेंट पोस्ट पर तैनात थे। इन शॉर्ट, कैम्ब्रिज 5 वॉज ऑल सेट टू बी द एसेट ऑफ सोवियत इंटेलिजेंस। गाय ब्रिडजेस और किम फिल्बी ने इसके बाद सितंबर 1939 में सेक्शन डी में साथ में काम किया। इस बार दोनों को टास्क मिला था ट्रेनिंग कोर्स चलाना न्यूली रिक्रूटेड एजेंट्स के लिए। जैसे हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है, वैसे गाय ब्रिडजेस की भी थी। बात है साल 1940 की। सेक्शन डी डिपार्टमेंट को SOE यानी स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में बदल दिया गया। इस प्रोग्राम में गाय ब्रिडजेस भी जुड़ते, परंतु शराब की बुरी लत थी और वे ड्रिंक एंड ड्राइव में अरेस्ट हुए। यह बात अलग है कि किम फिल्बी भी उस डिपार्टमेंट से जुड़े थे और रेगुलर इंफॉर्मेशन सोवियट्स तक पास ऑन कर कुछ हद तक गाय ब्रिडजेस के बिहाफ सोवियट्स के लिए काम कर रहे थे। साल 1941 में गाय ब्रिडजेस ने बीबीसी टॉक डिपार्टमेंट रिजॉइन किया। बीबीसी के साथ वे MI6 के लिए काम तो कर रहे थे, परंतु इस दौरान वे MI5 से भी जुड़े। आमतौर पर MI5 इंटरनल इंटेलिजेंस और MI6 देश के बाहर के इंटेलिजेंस का काम संभालती है, परंतु गाय ब्रिडजेस के कॉन्टैक्ट्स कुछ इस कदर थे कि वे किसी को भी इंप्रेस कर लेते अपने काम द्वारा। तो बस इसी तरह से वे MI5 और MI6 दोनों में तैनात थे। कैम्ब्रिज 5 के मेंबर्स में से सबसे बेहतरीन व स्पीडी ग्रोथ गाय ब्रिडजेस की थी। साल 1941 में ही जर्मन्स ने USSR पर धावा बोला। इस पूरे मामले को बीबीसी कवर करना चाहती थी। बीबीसी ने गाय ब्रिडजेस को इस काम के लिए चुना। बीबीसी ने गाय ब्रिडजेस को कार्य दिया उन स्पीकर्स को सिलेक्ट करने का जो USSR को रिप्रेजेंट करें, जिससे ब्रिटेन और USSR के अलाई विश्व समक्ष प्रस्तुत हो। गाय ब्रिडजेस ने इस कार्य के लिए अपने कैम्ब्रिज 5 के साथी एंथनी ब्लंट का सपोर्ट मांगा। एंथनी ब्लंट ने USSR के नसीहत से सोवियत एजेंट अर्नस्ट हेनरी को चुना,
सोवियत ने गाय ब्रिजेस के थ्रू इस मौके का अच्छा फायदा उठाया। एजेंट अर्नस्ट हेनरी ने इंटरव्यू दिया और उस समय कहा जाता है कि उस ब्रॉडकास्ट को सुनने वालों ने इसे प्योर सोवियत प्रोपेगेंडा कहा। इसके पश्चात अक्टूबर 1941 में गाय ब्रिजेस को एक और गेम चेंजिंग बीबीसी में काम मिला। गाय ब्रिजेस को द वीक इन वेस्टमिंस्टर नाम का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम मिला। इस शो के दौरान गाय ब्रिजेस को पार्लियामेंट जाने का एक्सेस मिला और यह ऐसा वैसा एक्सेस नहीं था। गाय ब्रिजेस अनगिनत बार पार्लियामेंट आया जाया करते। अपने हैंडसम, यूनिक और स्टाइलिश अप्रोच के चलते वे यहां भी भारी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने में सफल रहे। कॉन्टैक्ट कुछ इस कदर सफल रहा कि लगभग रेगुलर बेसिस पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ लंच, शराब या क्लब जाने का दौर चला। गाय ब्रिजेस किसी से भी बात निकलवाने वाले खतरनाक स्पाई थे। बातों बातों में, शराब के नशे में वे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से शो के अलावा इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकलवाकर सोवियत तक पहुंचाते। सोवियत्स यहां गाय ब्रिजेस से बेहद इंप्रेस थी और हो भी क्यों ना। आप दर्शक की सोचिए, एक सिंपल बीबीसी शो से पार्लियामेंट में घुसकर वहां के मेंबर से दोस्ती करना और इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकलवाना क्या आसान टास्क हो सकता है? MI5 और MI6 से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो निकलवा ही रहे थे, परंतु मीडिया वर्ल्ड से भी इंफॉर्मेशन निकलवाना गाय ब्रिजेस जैसा एजेंट ही कर सकता था। गाय ब्रिजेस को साल 1945 के दौरान फॉरेन ऑफिस संभालने की भी जिम्मेदारी मिली। उनकी पोस्टिंग लंदन में हुई। इस पोस्टिंग में गाय ब्रिजेस का काम था विदेशी पत्रकारों को और फॉरेन डिप्लोमेट्स को गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में सूचित करना व समझाना। इस पोस्टिंग के दौरान गवर्नमेंट की कुछ गुप्त गतिविधियों को गुप्त ही रखना पड़ता, परंतु उन्हीं गुप्त इंफॉर्मेशन को सोवियत तक अच्छी तरह से पहुंचाने का काम गाय ब्रिजेस कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सोवियत तक पहुंचाए, जैसे कि उन्होंने पोलैंड और जर्मनी वॉर के बाद के भविष्य की जानकारी सोवियत तक पहुंचाई और साथ ही साथ ऑपरेशन अनथिंकेबल की भी जानकारी दी। इस ऑपरेशन में सोवियत यूनियन के साथ पॉसिबल वॉर की ब्रीफिंग दी। गाय ब्रिजेस के लगातार इंफॉर्मेशन के लेन देन से सोवियत अत्यंत इंप्रेस थी। गाय ब्रिजेस को वे मालामाल पे मालामाल किए जा रहे थे। गाय ब्रिजेस ने फॉरेन ऑफिस पोस्ट को सोवियत्स के लिए सबसे मजबूत इंफॉर्मेशन का गढ़ बनाया। गाय ब्रिजेस के फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन के लेन देन से सोवियत इंटेलिजेंस को MI5 और MI6 से हमेशा दो कदम आगे रखा। और दूसरी तरफ गाय ब्रिजेस ने MI5 और MI6 में अपना नाम जबरदस्त स्थापित किया, परंतु गाय ब्रिजेस का एल्कोहल के प्रति का लगाव उनका एक सबसे बड़ा नेगेटिव साइड था। खैर, इस नेगेटिव साइड के बावजूद उन्होंने 6 महीनों के फॉरेन ऑफिस के सर्विस में मॉस्को को 693 सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स के साथ 2000 फोटोग्राफ्ड इंफॉर्मेशन देकर वे क्या कर सकते हैं ये सोवियत्स को दिखा दिया। समय हमेशा अच्छा ही रहे तो क्या ही बात हो। यहां गाय ब्रिजेस की बात हम कर रहे हैं, और गाय ब्रिजेस वो स्पाई था जिसे दुश्मन पकड़ नहीं सकते थे, परंतु गाय ब्रिजेस स्वयं के लिए ही घातक बनने वाले थे। साल 1949 के फरवरी महीने में गाय ब्रिजेस की नशे में ड्राइव करने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसके वजह से उन्हें सिर में गहरी चोटें आई। उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और साथ ही साथ उनकी हालत खूब नाजुक थी। उन्हें हॉस्पिटल कई हफ्तों तक एडमिट रहना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि उस एक्सीडेंट के बाद गाय ब्रिजेस में वो शार्पनेस, चार्म, इंटेलिजेंस पहले जितना ना रहा, और उसका असर आगे दिखने वाला भी था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वे ज्यादातर नशे की हालत में ही रहते। उन्हें फॉरेन ऑफिस के जॉब से असंतुष्टि का भाव आने लगा, और इस प्रॉब्लम में सिर्फ गाय ब्रिजेस ही नहीं, परंतु कैम्ब्रिज 5 के एक और मेंबर डोनल्ड मैकलिन भी आने वाले थे, जिसका खामियाजा बाकी के 3 मेंबर्स किम फिल्बी, जॉन कैनक्रॉस और एंथनी ब्लंट भुगतने वाले थे।
डॉनन मैकलिन को वॉशिंगटन से कायरो भेजा गया ब्रिटिश एम्बेसी में। बस वहीं उन पर यह दौरी जिंदगी हावी हुई। ओवर ड्रिंकिंग और बैड हेल्थ की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। यह नर्वस ब्रेकडाउन कैम्ब्रिज 5 के अंत की ओर का इशारा था। कायरो से उन्हें वॉशिंगटन वापस बुलाया गया। इतने कंप्लेंट्स और इरेशनल बिहेवियर्स के बाद भी उनका प्रमोशन हुआ हेड ऑफ अमेरिकन डिपार्टमेंट इन ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में। साल 1950 में गैब्रिजिस को भी वॉशिंगटन में पोस्टिंग मिली। यहां वे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सोवियत तक पहुंचाते। ये डॉक्यूमेंट्स में अमेरिकन और ब्रिटिश स्ट्रेटेजी थी कोल्ड वॉर के लिए सोवियत्स के खिलाफ। परंतु यहां गैब्रिजिस काम तो कर रहे थे पर उनकी तबीयत उनका साथ नहीं दे पा रही थी। हैवीली स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की वजह से हेल्थ इश्यूज बढ़ते ही जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर सोवियत्स के मैसेज को इंटरसेप्ट और डिकोड करने लगे। और इस काम में अमेरिका बेहद अग्रेसिव हो रहा था क्योंकि उनके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। ब्रिटेन के साथ ऐसा डाउट अब उन्हें लगने लगा था। डिकोडिंग का प्रोसेस बहुत समय ले रहा था लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ मिल अमेरिका की CIA सोवियत्स के मैसेज डिकोड और इंटरसेप्ट किए जा रही थी, जो अब उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। इस डिकोडिंग के प्रोजेक्ट का नाम विनोना रखा गया। किम फिल्बी को डायरेक्ट एक्सेस मिला इस प्रोजेक्ट को क्लोजली हैंडल करने का। प्रोजेक्ट विनोना को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला। सोवियत्स का एक एजेंट जिसका कोड नेम होमर था, उसे आइडेंटिफाई किया गया। होमर की कुछ पर्सनल डिटेल्स भी मेंशन किए थे, जैसे वॉशिंगटन में फॉरेन डिवीजन में पोस्टिंग, होमर का अपने प्रेग्नेंट वाइफ से मिलना वगैरह। किम फिल्बी ने जैसे यह कोड देखा वो तुरंत समझ गए कि यह सारे क्लूज और एजेंट होमर कोई और नहीं पर डॉनल मैकलिन थे। किम फिल्बी ने यह बात गैब्रिजिस को बताई। यह चेतावनी डॉनल मैकलिन को देना जरूरी था क्योंकि इंटरोगेशन होते ही डॉनल मैकलिन नर्वस ब्रेकडाउन के चलते सब उगल देते। चेतावनी देना बहुत जरूरी था परंतु दे कैसे? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थ्रू फोन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉनल मैकलिन को एक्सपोज होने का वार्निंग देना जरूरी था पर पहुंचा कैसे जाए क्योंकि वे वॉशिंगटन में थे। इससे पहले CIA और MI6 उन्हें पकड़े, गैब्रिजिस को इस काम के लिए लगाया गया। गैब्रिजिस खुद डॉनल मैकलिन को क्विक एस्केप करवाने के लिए उनके पास पहुंचे। गैब्रिजिस ने डॉनल मैकलिन के फैमिली के साथ फ्रांस भागने का रास्ता बनाया थ्रू शिप। उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन की चिंता नहीं रहती थी ड्यू टू इरेगुलर चेकअप्स, और अगर डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग पोर्ट्स पर हो भी तो डिप्लोमेटिक कवर से बचने का तरीका तो था ही। गैब्रिजिस और डॉनल मैकलिन फ्रांस भागने में सफल हुए। फ्रांस के बाद वे दोनों जैसे हवा में गायब हो गए। KGB के सिवाय आज तक यह बात राज है कि वे दोनों गायब कैसे और कहां हुए। गैब्रिजिस और डॉनल मैकलिन के गायब होने पर MI5, MI6 और CIA में भूचाल आ गया। और सबसे ज्यादा झटका किम फिल्बी को लगा क्योंकि गैब्रिजिस का गायब होना प्लान का हिस्सा था ही नहीं। गैब्रिजिस को ढूंढने का प्रयास शुरू हुआ। गैब्रिजिस की मां ने गैब्रिजिस के कोई खबर होने की बात को नकारा। किसी भी कलीग्स के पास गैब्रिजिस के गायब होने का कोई आइडिया न था। कई दिनों तक लापता रहने के बाद गैब्रिजिस और डॉनल मैकलिन को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। परंतु एक बात यहां दिलचस्प थी। गैब्रिजिस के इंफॉर्मेशन सोवियत्स को पास करने का तरीका इतना क्लीन था कि उन्होंने इसके कोई ट्रेल्स छोड़े नहीं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के पास गैब्रिजिस के खिलाफ सफिशिएंट प्रूफ्स न थे। उनका डॉनल मैकलिन के साथ गायब होना सिर्फ इसी बिना पर उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया। रही बात गैब्रिजिस की, तो अगर वे न भागते तो शायद लंबे समय तक पकड़े ना जाते। परंतु नर्वस ब्रेकडाउन ही रीजन मान सकते उनके भागने का। गैब्रिजिस और डॉनल मैकलिन जब मॉस्को पहुंचे तो तुरंत उन्हें एक्सेप्ट न किया गया।
कैबर्जिस को लगा कि उनका स्वागत अच्छे से होगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। डोनन मैकलिन और कैबर्जिस को सोवियत सिटीजनशिप मिल गई, परंतु वो रिस्पेक्ट पूरी तरह से न मिल सका। कैबर्जिस ने अपनी फ्रेश आइडेंटिटी बनाई और जिम अंद्रविच नाम अपनाया। सोवियट्स लगातार कैबर्जिस से दूरी बनाती, उनके लिए प्लेंटी ऑफ फूड एंड मनी रहता, परंतु सोवियट्स कैबर्जिस को गवर्नमेंट ऑफिशियल से दूर रखते। साल 1956 में कैबर्जिस की मां को अपने बेटे से सोवियट्स ने मिलवा दिया। उसके पश्चात सोवियट्स ने उनके फैमिली को यूएसएसआर में आने जाने की परमिशन दी। मॉस्को में कैबर्जिस की जिंदगी कुछ खास न रही, वे कॉन्स्टेंट सोवियट स्पाई के वॉच में थे। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग के लत में कैबर्जिस पहले से ही थे, परंतु अब वो लत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। तबियत हद से ज्यादा बढ़ने लगी और इसी के चलते लीवर फेलियर के कारण 30 अगस्त 1963 में 53 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। सोवियट्स ने 5 अक्टूबर 1963 में कैबर्जिस के एशेस को उनके फैमिली यानी इंग्लैंड पहुंचाया। तो दोस्तों, यह कहानी थी उस डबल एजेंट की, जिसकी लाइफ अत्यंत छोटी परंतु बेहद रोचक थी। कैबर्जिस ने अपनी पूरी जिंदगी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को समर्पित किया और ब्रिटिश इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस को बीट कर एस्पिनाज वर्ल्ड में अपनी अलग जगह बनाई। एस्पिनाज गेम के रूल्स के टूटने पर यह एजेंट बर्बाद हुआ। नो डाउट कैबर्जिस अट्रैक्टिव इंटेलिजेंस और यूनिक अप्रोच से सोवियत के लिए गेम चेंजिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाए, परंतु एक्सेसिव ड्रिंकिंग और नर्वस ब्रेकडाउन ने उनसे एक लंबे एस्पिनाज गेम खेलने की ताकत को मिट्टी में मिला दिया। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, फिर से एस्पिनाज गेम को समझने के प्रयास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।